ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के जिला कांगड़ा के लिए राहत की खबर आई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिल मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले सप्ताह दो विदेशी नागरिकों को टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया था, जिनके सैंपल लेकर पुणे स्थित लैब में भेजा गया था, जहाँ से आज आई रिपोर्ट में दोनों विदेशी नागरिकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। कोरोना वायरस के जिला कांगड़ा के लिए राहत की खबर आई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा में दाखिल मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पिछले सप्ताह दो विदेशी नागरिकों को टांडा मेडिकल कॉलेज में दाखिल किया गया था, जिनके सैंपल लेकर पुणे स्थित लैब में भेजा गया है, जहां से आज आई रिपोर्ट में दोनों विदेशी नागरिकों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। गौरतलब है कि टांडा मेडिकल कॉलेज में अब तक कोरोना वायरस के 5 संदिग्ध मामले आ चुके हैं, जिनमें से पूर्व में सामने आए 3 संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, वहीं अब दो विदेशी नागरिकों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। CMO जिला कांगड़ा डॉक्टर गुरुदर्शन गुप्ता ने कहा कि टांडा में दाखिल दो कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जिला में अब तक कोरोना के 5 संदिग्ध मामले सामने आ चुके थे, जिनमें सभी की रिपोर्ट नेगेटिव है। कोरोना से डरने नहीं बल्कि एहतियात बरतने और जागरूक रहने की जरूरत है। जो दो संदिग्ध मामले हमने जिनके सैंपल जो थे वो टेस्टिंग के लिए भेजे थे वायरोलॉजी लैब पूना में, उनकी रिपोर्ट जो है वह प्राप्त हो गई है और दोनों नेगेटिव पाए गए। जिला वाले में मामला कंफर्म केस कोई नहीं है। हमने 5 संदिग्ध हमारे को रिपोर्ट हुए थे, 5ों के सैंपलिंग की रिपोर्ट हमारे पास आ गई है और सभी के सैंपल जो है वो नेगेटिव पाए गए। बस मेरी आम जनता से, जैसे मैं पहले भी आप लोगों से बात कर चुका हूं, आम जनता से अपील है कि डरने की आवश्यकता नहीं है, सावधान रहने की आवश्यकता है, अफवाहों से बचें और सरकार द्वारा जो इसके बारे में डिटेल एडवाइजरी और गाइडलाइंस हम मीडिया के थ्रू भी और होर्डिंग्स के थ्रू पैम्पलेट्स के थ्रू आम जनता के साथ शेयर करें, उनका पालन करें।